अगर हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं दबे तो इनसे दबने का तो रीजन है नहीं, यहाँ फेथ का सवाल है, यहाँ रेस्पेक्ट का सवाल है। रेस्पेक्ट प्रेशर से ऊपर है सर, पहले रेस्पेक्ट है फिर प्रेशर है। वी रेस्पॉन्डेड टू द रेस्पेक्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। हमारा स्टैंड रहा इस आइडियोलॉजी में, मतलब दैट इज नॉट प्रीप्लान्ड, दैट इज ए स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, कायदे से ये गलती हो गई, उन्होंने अपॉलजी कर ली, बीजेपी ने एक्शन ले लिया, ये मसला यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। पर ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा, लोगों को ये रशियन ऑयल की कहानी नहीं पता, ये हमारा कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, इस पे कोई डिस्कशन। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आजाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहां हर एक को आजादी हो खुद मुख्तारी से जीने का। वीडियो के साथ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मसला उससे पहले हुआ था, ये एकदम पीक किया संडे को। अब इसके बीच में अगर आपको याद हो, सऊदी अरबिया बोलता है कि भाई जुलाई से मेरा ऑयल का प्राइस $120 पर बैरल है, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज होती है, इसके पीछे पीछे इन दोनों दिनों के बीच में डॉक्टर जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट आता है, वो कहता है भाई जो हमें सस्ता तेल देगा, जो हमें डील लेगा, हम उससे लेंगे। ये एक फंडामेंटल चेंज ऑफ स्टेटमेंट है इंडिया का ऑफिशियल। और एक और चीज आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, जो इंडिया का पहले 1% हम क्रूड लेते थे रशिया से, 1.5-2% ऐसा लेते थे। अब जो क्रूड है फकर भाई 10 तरह का होता है, उसमें जाऊंगा नहीं कितने तरह का होता, मोटा मोटा 10-12 तरह का होता है। हर तरह का क्रूड नहीं ले सकते, हर तरह का क्रूड आपकी रिफाइनरी प्रोसेस नहीं कर सकती, कुछ तरह के क्रूड से आपकी रिफाइनरी प्रोसेस कर सकती, नहीं तो उनकी काफी मशीनरी बदलनी पड़ती है। अब आपको एक चीज, आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। जब से ये रशियन यूक्रेनियन वॉर हुई है, हम जो करीब करीब क्रूड लेते हैं वो 212 मिलियन बैरल लेते हैं, 80% ऑफ द क्रूड लेते हैं। इसकी कीमत करीब करीब जो अभी आंकी गई है 120 से $150 बिलियन है, ये इसका प्राइस है। तो 212 मिलियन बैरल क्रूड 120 से $150 बिलियन की परचेस। मोस्टली ये आता था मिडल ईस्ट से, कुछ आता था सऊदी अरब से, नहीं मिडल ईस्ट से आता था, कुछ यूएस से आता था, कुछ रशिया से आता। अभी जब ये लड़ाई हुई है रशिया यूक्रेन की, प्राइस बढ़ाया सऊदी अरब ने, जीसीसी कंट्रियों ने प्राइस बढ़ा दिया। आपको याद होगा $40-45 भी आया था, अब 120 के आसपास चल रहा है। अब हमने रशिया से क्रूड बढ़ाया, सच्चाई ये है आज तक अभी तक करीब करीब 35 मिलियन बैरल क्रूड रशिया से आ गया। 400% क्रूड इंपोर्ट बढ़ा है रशिया से। क्यों? रशिया हमें $35 से $40 सस्ता क्रूड दे रहा है, रशिया हमें लाके यहां तक दे रहा है, और ये कॉस्ट है यहां तक डिलीवरी का, हमारी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पा रही है। अब आप बताइए इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, करीब $50 से $60 बिलियन से ज्यादा है साल का, जो बहुत बड़ा अमाउंट। रशियंस एज ऑन डेट 16% मार्केट शेयर पे कब्जा कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे बाय द एंड ऑफ द ईयर रशियन क्रूड का मार्केट जो शेयर है इंडिया में करीब 30-33% आएगा। और फखर भाई आप ये भी जानते हैं कि अगर एक बार रशिया ने मार्केट ले लिया उसको कोई हिला नहीं सकता, कारण रशिया पे सैंक्शंस है, सस्ता तेल देने को तैयार है, रूबल में पैसे लेने को तैयार है, कुछ डॉलर में तो कुछ रूबल में क्रेडिट देने को तैयार है। और $35 से $40 पर बैरल इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंट्री। बिल्कुल राइट। अब ये जब खबर आई है, इससे इस चीज को और एकदम हवा लग गई, क्योंकि मैं आपको शुरू से कहता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रोल्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं चलती फकर भाई, ये बिल्कुल आप रूल मानिए है ही है। जब डॉक्टर जयशंकर का ये स्टेटमेंट, तो अचानक ये स्टेटमेंट बदल जाता, अचानक सारे एम्बेसडर समन होने लगते, क्योंकि अगर रशिया ने 33% शेयर लिया तो मान लीजिए मोटा मोटा रशिया के पास 30-40 से $50 बिलियन का मार्केट आ जाता, और वो कहां से जाएगा, उसका मेजोरिटी जीसीसी कंट्री से जाएगा, थोड़ा बहुत यूएस से जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर से जाएगा, कनाडा छोटा लेते हैं। अब आप ये माने कि इसमें यूएस का रोल नहीं, इसमें यूएस का भी रोल होगा, उन्होंने भी बोला था भाई इन्होंने ऐसा कह दिया, आप कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि पहले 7-8 दिन ये मसला बिल्कुल शांत रहा। ये मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया, जैसे ये चीजें बढ़ी तो ये मसला बढ़ गया। मतलब भाई आपने किया, अब बीजेपी क्या करता है, बीजेपी कहता है ठीक है जी हम उनको सस्पेंड कर देते 6 महीने के लिए, और नवीन जिंदल को पूरा एक्सपेल कर दिया जी। अब लॉजिकली जिसने गलती की वो माफी मांग चुका, स्पर ऑफ मूवमेंट था, कोई किताब नहीं लिखी, कोई प्रीप्लान्ड नहीं था, मुंह से निकल जाता है। देखिए आप और हम भी डिबेट करते हैं, कई बार मैं अपनी बताऊं फखर भाई, मैं कई बार 7-8 डिबेट कई बार दिन में हो जाती है,
मैं आपको ईरान बोलना चाहता हूँ, इसराइल निकल जाता, गलती हो जाती है. राइट. मतलब दैट इज नॉट प्रीप्लान, दैट इज ए स्लिप ऑफ टंग. ठीक है, कायदे से ये गलती हो गई, उन्होंने अपॉलजी कर ली, बीजेपी ने एक्शन ले लिया, ये मसला यहाँ खत्म हो जाना चाहिए. पर ये मसला खत्म क्यों नहीं हो रहा, लोगों को ये रशियन ऑयल की कहानी नहीं पता, ये हमारा कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा. मेन कहानी ये है, ये 40-50 बिलियन डॉलर का गेम बन चुका है आज. 35 मिलियन बैरल ऑयल अभी तक आ चुका फकर भाई, व्हिच इज 16% ऑफ द टोटल ऑयल. ठीक है, तो फिर आ गए, फिर उन्होंने, एक सेकंड बोलता हूँ, उन्होंने हम इंडियन गुड्स को बैन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. तो अब देखिए, अब मालदीव्स तक आ रहा है, मालदीव्स कंप्लीटली इंडिया पर डिपेंडेंट है, मालदीव्स भी आ रहा है. अब यहाँ अब मलेशिया, इंडोनेशिया और कतर वालों की बात करूं, आपने सुना होगा हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन जी, उन्होंने बहुत गंदी पेंटिंग बनाई हिंदू गॉडेसेस की, बहुत आपत्तिजनक, और वो यहाँ से फिर निकल लिए, उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहां रहने दिया जी. अगर आप देखिए, अगर आप दीन की तोहीन की बात करें, अगर नुपुर शर्मा ने किया वो दीन की तोहीन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने किया उससे बड़ी तोहीन है. उसने तो पेंटिंग बनाई, उसने अपॉलजी भी नहीं ली कभी, नेवर अपॉलजाइज. उसको कतर ने अपने यहाँ रखा, उसको सिटीजनशिप दी. मतलब अब देखिए, अभी हीट ऑफ द मोमेंट, अभी एक ये सब लोग खड़े हैं, धीरे धीरे ये मामला सेटल होगा, थिंग्स विल सेटल. बट एक चीज बहुत गलत हुई इसमें फखर भाई, देखिए आज वो कह रहे हैं इंडियन गुड्स को निकालो बाय करो, ठीक है कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, आपका राइट है जी. पर अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको यहाँ से मिलेगा. वर्ल्ड में तीन ही पिलर है, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आप माने ना माने, अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बायकॉट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा. हम पे शायद हम इंपैक्ट विल लिव विद इंपैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाईपास कर, बायकॉट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा. और अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता आज के डेट में, ये मकबूल फिदा हुसैन वाला जी, हम भी बायपार्ट कर सकते, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते. आपने देखो, हमने ओएसी को जवाब दिया, आपने देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, मतलब ऑब्जेक्शन पे. तो मतलब ये जो चीजें जा रही है ना, ये बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे जाने लगी है. बिल्कुल, पहले क्या बिल्कुल. था डिप्लोमेसी में काफी सारी चीजें मैनेज करी जाती है. देखिए, एक इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, चलो उसने कह दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, एक्शन भी हो गया. पर अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना बढ़ा करें. मतलब या तो इंडिविजुअल बोले नहीं, आई स्टैंड बाय इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले आई स्टैंड बाय इट, बीजेपी का भी प्रेस रिलीज है. लेकिन सुमित जी, एक चीज और है, मतलब गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर, ये मतलब एक इशू है. मैं आपको बता दूं, मैं एज ए इंसान आपको कह रहा हूं, मैं कोई भी मजहब फॉलो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जीविज्म है, या मुसलमान है, या जितने भी और रिलीजन है दुनिया में, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके उनके फॉलोअर्स बिलियन में है या उनके फॉलोअर जो है वो लाखों में या हजारों में है, नो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट. लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी जी या कोई और इसके ऊपर क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा कि आप कतर को अगर लेट सपोज कर देते हैं, नो डाउट, क्योंकि कतर एयरवेज में आप लोगों के, हाँ मतलब अमेरिका में बहुत सारे आप लोगों के लोग रहते हैं, बाकी दुनिया में भी बहुत ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, इंक्लूडिंग कतर और अरब कंट्रीज में भी, बिल्कुल हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है. लेकिन सर एक चीज आपको मैं बता दूं, कनाडा ने आज से 3 साल पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था, और उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया से माफी मांगी थी, उनका सारा कुछ उन्होंने कहा था नहीं.